Welcome back to yet another new video on my channel. My name is Somit and first of all, Happy New Year to all of you. So, आज मैं किस बारे में बात करने वाला हूँ, ये वीडियो किस बारे में आपको पता ही चल गया होगा टाइटल देख के. सो यस, आज मैं ट्रैवल करने वाला हूँ फ्रॉम अहमदाबाद टू भुवनेश्वर एंड आज मैं अपने साथ ड्रोन कैरी करने वाला हूँ इन फ्लाइट. मेरे मन में भी बहुत सारे डाउट्स थे, बहुत सारे क्वेरी थे कि क्या हम ट्रैवल कर सकते हैं ड्रोन के साथ 2020 में इन फ्लाइट एंड ऑल. आई ऑल्सो चेकड आउट मैनी वीडियोज़ ऑन यूट्यूब एंड रिसेंट वीडियोज़ ऑन यूट्यूब, बट कुछ साफ नहीं हुआ. कुछ वीडियोस में ऐसा बताया गया था कि हम ट्रैवल नहीं कर सकते एज पर द न्यू लॉ लॉन्च्ड ऑन जून और जुलाई दिस ईयर. सो थॉट छोड़ो सबको, मैं लेके चलता हूँ, देखता हूँ कुछ होता है, क्या होता है, कैसे होता है. सो आई विल बी शेयरिंग फ्यू टिप्स एंड फ्यू इम्पोर्टेंट टिप्स विथ यू ऑल. So that if you are planning to carry a drone along with you on flight, so that would be helpful to you. I'm through the check-in and security. मेरा चेक इन बैग जिसमें मेरा ड्रोन था उसको मैंने चेक इन करवा दिया है. और आई एम विथ माई कैरी बैग जिसमें मैं ड्रोन के बैटरीज कैरी कर रहा हूँ और बाकी प्रोपेलर जो है ड्रोन का और ड्रोन चेक इन बैग में है. और तो अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं आई है, तो लेट्स सी कि सेफली हम पहुंचते हैं कि नहीं ड्रोन को लेकर. सो कीप वॉचिंग.
हेलो गाइस, तो अभी मैं पहुंच गया भुवनेश्वर एयरपोर्ट पे। तो अभी पहली बात, मुझे अभी जाके मेरा बैग कलेक्ट करना है, जो चेक इन बैग है उसमें वो कलेक्ट करना है जिसमें ड्रोन था। अभी जाके देखते हैं कि असल में बैग आया है कि नहीं। चलो गाइस, अभी मैं सेफ जगह है इसलिए मास्क उतार दिया है। ऐसा कुछ नहीं, कोई नहीं है आसपास। विल कलेक्ट द बैग एंड विल गेट आउट ऑफ दिस एयरपोर्ट। आई एम वेटिंग फॉर माय बैग टू कम। बहुत सारे बैग आ रहे हैं, अभी मेरा बैग दिखा नहीं है। लेट्स होप कि बैग आ जाए। आई गेस मेरा बैग आ रहा है। सो दिस वन इज माई बैग प्रोबेबली। दैट मीन्स आई हैव मेरा बैग आ गया सही सलामत। इसका मतलब है कि ड्रोन भी सही सलामत पहुँच गया। सो दैट्स इट। So guys, we are planning to bring the drone on flight. So this is how you can bring it. If you find this video informative and helpful, then please do like and subscribe my channel. ये जो है ये मेरा हैंड बैग है जिसको मैं लेके चल रहा हूँ, और ये मेरा चेक इन बैग है, राइट। ये दो बैग्स मैं आज लेके चल रहा हूँ। सो मैंने क्या किया है, हियर इज टिप वन। मैंने क्या किया है, ड्रोन को तीन पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक तो हो गया ड्रोन का बॉडी और उसके प्रोपेलर्स निकाल दिए, सेकंड, और थर्ड उसका बैटरी, राइट। तो मैंने ड्रोन जो है, जो बॉडी है ड्रोन का, उसको यहाँ इस बैग में, जो चेक इन बैग में, उसको रख दिया, और उसका प्रोपेलर्स भी यहाँ पे रख दिया। हालांकि अलग अलग कर दिए थे, पर अलग अलग करके अलग अलग जगह पे रख दिए इस बैग में। और इस बैग में मैं जो ड्रोन के बैटरी भी उसको कैरी कर रहा हूँ, राइट। और उससे पहले ये दूसरा टिप है, मैंने अभी ट्रैवल कर रहा हूँ इंडिगो से, और जर्नी से पहले मैंने इंडिगो वालों को कॉल कर दिया था, कस्टमर केयर पे कॉल किया था, और वहाँ पे कंफर्म किया था कि आई एम ट्रैवलिंग विथ ए ड्रोन, एंड ड्रोन कौन सा ड्रोन ले रहा हूँ उसे बाप बोला था। और उन्होंने ऐसा बोला कि आप कैरी कर सकते हैं, और यू नीड टू टेक आउट द बैटरी, एंड यू नीड टू कैरी दैट विथ योर कैरी बैग, नॉट इन योर चेक इन बैग। सो मैंने वैसे ही किया, प्रोपेलर्स और ड्रोन जो बॉडी है उसको मैंने अपने चेक इन बैगेज में रखा, और जो बैटरी है उसको मैंने कैरी बैग में रखा जिसको मैं कैरी कर रहा था। और होपफुली सब कुछ पास हुआ। आई पास द चेक सिक्योरिटी एंड ऑल, कोई दिक्कत नहीं हुई। जैसे कि बता रहे हैं, अभी कुछ वीडियोस आए हैं जिसमें बता रहे हैं कैन नॉट कैरी योर ड्रोन एंड ऑल। So I carried and कोई problem नहीं, कोई दिक्कत नहीं हुई। So you can carry most probably, but I have few tips and information to share. Please excuse me if you are hearing noise of the car horn and all that, क्योंकि मुझे अंदर सही जगह नहीं मिला। मैं यहाँ पे एयरपोर्ट के आस पास एक गार्डन है, वहाँ पर बैठ के मैं वीडियो बना रहा हूँ। सो यस, तो बात कुल मिला के बात इतनी थी। सो टिप आई वुड शेयर विथ यू इज, इफ़ यू आर ट्रैवलिंग विथ अ ड्रोन इनसाइड इंडिया, देन आई वुड सजेस्ट यू टू गो विथ इंडिगो एयरलाइंस, बिकॉज बाकी एयरलाइंस में जो कस्टमर सर्विस है वो इतना अच्छा नहीं है, मैंने जितना फील किया है। इंडिगो में थोड़ा क्विक रिस्पॉन्स है, और वो आपको असिस्ट करते हैं अच्छे से, जैसे मुझे किया, और मैं कैरी कर पाया अपना ड्रोन।
सेकेंडली निकलने से पहले, इफ़ यू आर कैरिंग योर ड्रोन, निकलने से पहले एक बार नज़र घुमा लो कि व्हाट इज़ द न्यू रूल एंड गेट अपडेटेड। एंड अगर आपको ग्रीन सिग्नल मिल जाता है कस्टमर सर्विस से कि आप कैरी कर सकते हो तो यू कैन गो अहेड। एंड ड्रोन के साथ अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो आप ज़्यादातर डायरेक्ट फ्लाइट ही चूज़ करो, क्योंकि बहुत सारे एयरपोर्ट्स में बहुत सारे रूल्स अलग अलग हैं, उनका कुछ सिंक्रोनाइजेशन मतलब पता नहीं, उनका कोऑर्डिनेशन सही नहीं है क्या, नहीं पता नहीं। एक एयरपोर्ट में अगर अलाउ करते हैं दूसरे एयरपोर्ट में रोक के पूछते हैं, ऐसा ऐसा करते हैं। सो डायरेक्ट फ्लाइट ले लो। और फाइनल टिप इज़, आप जो कस्टमर सर्विस से बात करते हो और अगर आप वो बोलते हैं कि आप यू कैन कैरी, देन डू रिकॉर्ड दैट एंड दैट विल हेल्प यू एज एविडेंस। दैट्स ऑल। बिफोर साइनिंग ऑफ, दिस इज भुवनेश्वर एयरपोर्ट एंड लुक एट दिस हैंड वर्क हियर। और न्यू ईयर क्रिसमस की वजह से एयरपोर्ट सजाया है थोड़ा बहुत, ना ज़्यादा तो सजावट नहीं हुई, थोड़ा बहुत, एंड इट लुक्स नाइस। सो बैट सर, बाय, टेक केयर, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।